Hi, hello, assalamualaikum. I hope everyone is okay. And today I'm gonna show you our fifth and sixth day diet today. So I even didn't ask you how's your diet. Please leave the comment and tell me how's your diet. And even आप diet नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आप इसको as a healthy eating आप use कर सकते हो इन recipes को. So अभी सबसे पहले मैंने जीरा पानी 1.5 liter तैयार कर लिया, एक glass पी लिया है 20 minutes ago. And now इस बारी किस चीज़ की है? मेरे breakfast की. So चले आज हम बनाते हैं healthy शक्शुका, ठीक है? तो let's begin. Please subscribe and click the bell to get notification. So शक्शुका के लिए मैंने half, ये मैं याद रहे कि ये मैं 4 portion बना रही हूँ. So आपने, मैंने 4 portion के लिए half a paper लिया है, half ये, half ये, half ये. अगर आप 1 portion बनाएंगी तो आप 1/4 paper लेंगी, okay? So because I'm making 4 portion for me, so मैं यार half paper each color. But if you making just 1 portion, so make sure use only 1/4, okay? So all the ingredients, if you making 1 portion, use only 1/4 of the ingredients, because I'm making 4 portion. सबसे पहले मैं एक इस साइज का ऑनियन लूँगी, इसको पील कर दूँगी. इसको मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल इसको बारीक सा ऐसे मैं हाथ से करती हूँ, आप लोग चॉप बोर्ड से कर लेना या जो भी, ऐसे बिल्कुल बारीक सा आपने ये प्याज काटना है, ठीक है? तो ये आपका बारीक 1 onion कट गया है. अब एक पैन को ऐसे मैंने थोड़ा सा लगा दिया, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा स्प्रे कर दिया ऑयल का, और इसमें मैं ये डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे रख के इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी कि थोड़ा सा सोटे हो जाए, ओनली फॉर 2 minutes, ओके? मैं अपना गार्लिक रेडी कर लेती हूँ जब तक ये सोटे होता है. अगेन मैं 4 cloves ले रही हूँ, पर अगर आप 1 portion बना रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ 1 garlic clove ले लें, ओके? मेरे हो गए हैं गार्लिक. अब क्रश होने के बाद इसको थोड़ा सा चॉप कर, ठीक है? ये अब चॉप हो गया, इसको आप एक साइड पे रख दें. अपने इस पेपर के बहुत ही बारीक से डाइस बनाने हैं. साथ साथ मैं अपने ऑनियन को भी देख रही हूँ. अब मैं दूसरे कलर को भी कर देती हूँ. ये मेरा दूसरा कलर हो गया है और अब मेरा तीसरा कलर, ये मेरा तीसरा कलर भी हो गया है. बारी है मशरूम की. आप अंदाजे से यूज़ कर ले कि आपको कितने मशरूम चाहिए. मैं तो 4 मशरूम यूज़ कर रही हूँ. और साथ साथ अपना ऑनियन चेक करें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए. आज का जो हमारा मेन्यू है वो ज़्यादा वेजिटेरियन मेन्यू है, तो आज हम एक दिन बिल्कुल कोई भी मीट नहीं खाएंगे. हमारा फिफ्थ डे होगा, फिफ्थ डे में हम बिल्कुल मीट का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके? मैं इस डाइट को ऐसे ही फॉलो करती हूँ और आप भी ऐसे ही फॉलो करना. आज आपने कोई भी मीट नहीं खाना, कोई भी स्नैक नहीं खाना, बस आपने 3 meals लेने हैं और वो भी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन मील. और अपना जीरा टी. और मैं अब 2 tomatoes को भी चॉप कर लूंगी, पर इन वेजिटेबल को मैं अलग रख दूंगी, अलग साइड पे, गार्लिक को अलग साइड पे, और टोमेटो मेरे अलग होंगे. तो अगर वेजिटेबल मिक्स हो गए तो कोई बात नहीं, टोमेटो के साथ मिक्स ना करना. तो चलिए ये आपके टोमेटो हो गए हैं और अब चले हम करते हैं, पकाते हैं इसको. हमारे सोटे हो गए ऑनियन, अब मैं डाल देती हूँ अपना गार्लिक भी सारा, इसको भी सोटे कर दूंगी. लेकिन 1 teaspoon ऑयल था, लेकिन कितना ज़्यादा लग रहा है. तो
ऑयल डालने की जरूरत ही ज्यादा नहीं है। मैंने एक टीस्पून ऑयल डाला है क्योंकि मैं फोर पोर्शन बना रही हूँ, पर आप क्वार्टर टीस्पून ऑयल डालना अगर आप एक पोर्शन बनाओ। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स 1 स्पून के बराबर, क्वार्टर टीस्पून जीरा एंड क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ अ टीस्पून सॉल्ट, दस ऑल वी नीड। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपने टोमेटो। टोमेटो का सारा जो पानी है वो भी मेक श्योर करके इसमें डल जाए, ठीक है। और इसको हम तब तक पकाएंगे ऐसे हो कि ये नाइस सा ये टोमेटो सारे पक जाए बीच में, और तब हम नेक्स्ट काम इसमें करेंगे। तो इसमें हम इसको हम ढक्कन रख देंगे, इसको ढक्कन रख के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ओके, सो 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये हमारा टोमेटो काफ़ी, देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था मैंने, 5 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए, और अब मैं अपनी सब्जियां मिला दूंगी। सो आई एम गोना ऐड ऑल माय पेपर्स एंड माय मशरूम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। 2 चिली पतली पतली काट दूंगी। चिली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं अच्छे लगते आप बेशक ना डालें, हमें तो चारों को चिली अच्छे लगते हैं इसलिए मैं 4 चिली भी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा कोरिएंडर भी पतला पतला करके डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और हल्की आंच पे अगेन 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ओके, अब रख दूँगी लिड के अंदर, 5 मिनट और बनकाऊंगी इसको, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके, 5 मिनट के बाद खोल दिया एंड हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह से पक गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने परसों वाली डाइट की तरह हम इसमें ऐसे 4 होल बना देंगे। ओके, अंडा यहाँ डाल दूंगी। अच्छा, ये एक अंडा यहाँ, एक अंडा यहाँ और एक अंडा यहाँ। और अब इन अंडों के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ओके, और अब इसको ढक्कन के अंदर अगेन 3 मिनट के लिए रख देंगे। और 3 मिनट के बाद हमारा शक्शुका तैयार होगा। आप अपने ब्रेड अलाउंस 1 ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बस कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी विथ स्किम मिल्क नो शुगर उसके साथ भी ये नाश्ता कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नाश्ता। और ये देखिए 3 मिनट के बाद हमारा शक्शुका तैयार है, कितना प्यारा बना हुआ है। तो इसका मैं 4 पोर्शन करूँगी ऐसे और ऐसे, तो ये एक हमारा पोर्शन होगा, ठीक है इतना। ओके, नाश्ते के ये 4 पोर्शन मैंने इसलिए बनाए हैं कि ये 2 पोर्शन सुमैया के हो जाएंगे आज का और कल का, और 2 पोर्शन मेरे हो जाएंगे आज की और कल के, ठीक है। सो ये 4 पोर्शन है, 2 for सुमैया 2 for मी। और आपने अगर ये शक्शुका बनाना है तो आपने अगर 2 दिन का बनाना है तो 2 एग के साथ बनाएं और हाफ इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने हाफ इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने हाफ एग पेपर इस्तेमाल किया तो आप उसका भी हाफ इस्तेमाल करें, तो ये आपका हो जाएगा 2 पोर्शन का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा नाश्ता। मैं अभी जाती हूँ आराम से कप कॉफ़ी पीती हूँ, और 1 क्वार्टर इसका 1 क्वार्टर पूरे ये जो मैंने बनाया है इसका 1 क्वार्टर लेती हूँ, साथ में 1 गिलास जीरा पानी भी पी लूँगी और साथ में 1 कप कॉफ़ी भी पी लूँगी। लेकिन मैं कॉफ़ी स्किम मिल्क के साथ और नो शुगर। ओके, और इसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आके अपना लंच और डिनर भी तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे बार बार किचन में नहीं आना है। तो मैं साथ ही बच्चों के लिए भी कुछ फूड बना लूँगी और जो छोटे मेरे नवासे हैं पोते हैं, और साथ में
मैं अपना लंच और डिनर भी तैयार कर दूंगी, वो भी आपको दिखा दूंगी। आज हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट करेंगे, नो मीट और जीरा पानी, और हमें टू फ्रूट अलाउड है एवरी डे। तो अगर हम आज कोई और स्नैक नहीं लेंगे तो दो फ्रूट, आप अपनी मर्जी की कोई भी दो फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है? तो चले मिलते हैं लंच और डिनर के लिए। मैंने तो नाश्ता कर लिया है, आराम से कॉफ़ी भी पी ली, बच्चों के साथ गपशप भी लगा ली, और अब मैंने कहा चलो बस अपना लंच और डिनर भी तैयार कर लेती हूँ कि फिर मैं फारिग हो जाऊँ। क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने एक इस वीडियो से पहले एक और वीडियो पोस्ट करूँगी अपने हिजाब के बारे में। सो मुझे बहुत क्वेश्चन आए हैं कि अपनी हिजाब स्टोरी सुनाओ। सो इंशाल्लाह फिर मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी, और मैंने आधा घंटा वॉक भी करना है। एक्सरसाइज मैं आज नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ आधा घंटा वॉक कर रही हूँ, और वो भी जैसे पावर वॉक होता है ना, बस ऐसे पावर वॉक कर रही हूँ, ज़्यादा उछलने कूदने वाला नहीं। तो चलिए बनाते हैं अपना लंच। लंच के लिए जो सामान मुझे चाहिए वो मैंने लिया है एक कप चना, छोले जिसे हम कहते हैं, चना कहते हैं, पर मैंने कल रात को ये भिगो के रखा था, फिर मैंने एक तकरीबन 15 मिनट के लिए ये पका लिया कुकर में, और ये देखिए कितना नरम है, ठीक है। और एक कप मैंने लिया है ये बेबी लीव्स है, स्पिनच के बेबी लीव, ये साग कहते हैं इसे, पालक के ये बेबी लीव्स है जो कि बहुत जल्दी पक जाते हैं। और एक टोमेटो है, दो चिली है और दो गार्लिक है। तो मैंने एक ब्रश का ऑलिव ऑयल ऐसे लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट काम ये होगा कि मैं इसमें बहुत छोटा छोटा बारीक सा अपना लहसुन इसमें ऐसे चॉप कर दूंगी। इसको मैं थोड़ा सा कोटे कर लूंगी अच्छी तरीके से, और अब इसके ऊपर मैं हाफ अ टोमेटो फिल जो मेरे पास बच गया था सुबह के नाश्ते से वो मैंने डाल दिया। मसाले में ये डालूंगी मैं 1/4 teaspoon रेड चिली, 1/4 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1/4 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर। इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर हम अपना हेल्थी ईटिंग का स्टाइल ऐसे कर दें तो हम कभी मोटे ही ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमें तेल में छुपड़ा हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर मैं अपना एक टोमेटो भी काट दूंगी, और इसको मैं पकाती जाऊंगी, लेकिन अब मैं 1-2 spoon वाटर भी ऐड कर दूंगी। चिली अगेन ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप बेशक ना डालें। और अब जो मेरे बेबी लीव्स हैं स्पिनच के, पालक के, उनको भी मैं ऐसे काटूंगी इसके ऊपर। आप साबुत भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेबी लीव्स होते हैं, पर मुझे अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे हमेशा काट देती हूँ, मुझे लंबे लंबे बहुत अच्छे नहीं लगते। बस मीडियम फ्लेम पे रख के बस जल्दी जल्दी से इसको ऐसे मिक्स कर दें, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके ऊपर अपने छोले भी डाल दें जो कि 1 cup है। आप मुझे ये बताएं कौन कहता है कि एशियन फूड के साथ इंसान डाइट नहीं कर सकता, ये एशियन फूड है कि नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए, क्योंकि छोले मेरे पके हुए हैं, बेबी लीव्स है, टोमेटो है, मुझे इतना मुश्किल काम नहीं है, 5 मिनट के लिए इसको लेट के अंदर रख के मैं पकाऊंगी। और आपको एक बात और बता दूं कि सुवैया डाइट नहीं कर रही है मेडिकल रीज़न की वजह से, लेकिन नाश्ता बजाय ये कि पराठा खाए ये खाए, तो मैंने उसे कहा है सिर्फ नाश्ता मेरे साथ हेल्थी किया करो, बाकी बाद में जो भी कुछ तुम करती हो वो तुम्हारी मर्जी है।
सो नाश्ता मैंने 4 पोर्शन बनाया था सुमैया के लिए और अपने लिए 2-2 पोर्शन, पर जो लंच और डिनर है वो मैं सिर्फ 2 पोर्शन ही बनाऊंगी अपने लिए, यानी कि आज का और कल का, और डिनर भी आज का और कल का मैं सिर्फ 2 पोर्शन बनाने वाली हूँ, वो 4 पोर्शन नहीं है। तो ये जो चने मैंने बनाए हैं ये सिर्फ 2 पोर्शन के हैं, यानी हाफ अ पोर्शन मैं आज खाऊंगी हाफ कल। तो आपको दिखाती हूँ, 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये 5 मिनट के बाद मेरे ये छोले देखे और आपके मुंह में पानी आएगा, ये जितने मजेदार होते हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने मजेदार होते हैं। ये तो बगैर डाइट के भी कोई खा ले तो हेल्थी फूड है, और इसमें हाई प्रोटीन होता है, यानी कि ये बिल्कुल मीट वाला काम करता है आपके लिए और अमेजिंग है। तो आप अगर डाइट ना भी कर रहे हो तो इसको बनाया करो हेल्थी ईटिंग के लिए, ये बहुत मज़ेदार है बग़ैर ऑयल के, और ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है अगर आप के छोले रेडी हो। तो ये हो गया है मेरा डिनर, जिसको मैं आधा कर दूंगी, आधा ये वाला मैं रख दूंगी बॉक्स में कल के लिए लंच के लिए, और ये आधा आज मैं खाऊंगी। मैं वैसे इसके साथ कोई ब्रेड नहीं खा रही हूँ, मैं आज अपना ब्रेड सेव कर रही हूँ, मुझे ये बग़ैर ब्रेड के अच्छे लगते, तो वो ब्रेड मैं किसी और दिन खा लूँगी और मैं इसके साथ नहीं खा रही हूँ। तो ये मेरा लंच तैयार, ये मेरा लंच हो गया है, 2 पोर्शन आज लंच के लिए और कल लंच के लिए, और अभी ही मैं अपना डिनर भी बना लूँगी। तो चलो बनाते हैं अपना डिनर। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा डिनर भी वेजिटेरियन होगा, उसमें आज मैं मीट का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये देखिए मैंने लिए हैं 2 कोजेट इस साइज़ के, एक छोटा एक बड़ा, ये मेरा 2 पोर्शन का होगा। मैंने इसको पील कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ये मैंने स्किन छोड़ दी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत की चीज़ें होती हैं। 2 चिली ले ली है और 1 टोमेटो, इससे ऑलिव ऑयल दूँगी ऐसे, और ऐसे छोटे छोटे से डाइस इसमें डाल दूँगी। ठीक, ऊपर मैं अपना नमक भी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा सा पानी रिलीज कर दे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी क्यूमिन सीड, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसी में मैं थोड़ी सी मशरूम भी काट दूंगी, लेकिन अगर आपको मशरूम अच्छे नहीं लगते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें, और अब मैं इसमें ओनली इतना, सिर्फ देखिए 1 इंच का पीस है, सिर्फ इतना ये 3 कलर की शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। मैं अपना जो 1 टोमेटो है वो भी डाल दूँगी ऐसे पतला पतला काट, ढक्कन रख दिया है, 5-7 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो मिलते हैं 5-7 मिनट के अंदर। सो मेरा लंच भी तैयार, मेरा डिनर भी तैयार, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पर आप देख लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग ये खाएं, आप में से कोई पतले भी हैं और अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट नहीं लूज करना चाहते, सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो बग़ैर ऑयल में चपड़ा चुपड़ी करके ये वाला खाना 1 महीने के लिए खाए तो भी अच्छा है। मैं हमेशा इस किस्म के खाने अपने बच्चों को खिला देती हूँ, उनको कहती भी नहीं हूँ कि ये डाइट वाला है और खिला देती हूँ। एनीवे उम्मीद है आप लोग अच्छा डाइट कर रहे होंगे, 5वां और 6वां दिन भी आ गया, ये महीना यूँ गुजर जाएगा इंशाल्लाह, और आपका मिनिमम 7 kg तो लूज हो गई होगा, नहीं तो 10 kg तक इंशाल्लाह लूज करने के ख्यालात है हमारे। इंशाल्लाह अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। नंबर 3 और नंबर 4 दिन का रेसिपी था, मैंने अभी उसके कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, मैं उसके भी कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन क्योंकि नाफिया के बच्चे मेरे साथ होते हैं और उनका पूरा होम स्कूलिंग जो होता है ऑनलाइन वो करना पड़ता है तो बहुत थक जाती हूँ। एनीवे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरे रेसिपीज पसंद आएंगे और इनको आप एक किस्म का लाइफस्टाइल भी बना लेंगे। तो कभी
अगर नोटी बन जाए, दूसरे अनहेल्दी खाने खा ले, तो बीच में ये भी पका लिया करें। इस एक महीने के बाद, एक महीना तो इसी डाइट के साथ स्टक रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके पास एक ब्रेड, दो ब्रेड या एक चपाती का भी अलाउंस है, वो भी आप खा सकते हैं। मैं नहीं खाने वाली, मैं आज कोई ब्रेड कोई चपाती नहीं खाऊंगी, बस यही खाऊंगी। और मैं दो फ्रूट खाऊंगी, मेरे ख्याल में मैं एक ऑरेंज और एक एप्पल खाऊंगी जब मुझे बाद में थोड़ा सा क्रेविंग होगा, और एक दो कप कॉफ़ी भी मैं पीऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह आपको इस वेट लॉस जर्नी में कामयाब करे, और अल्लाह करे कि आप 10 से 11 केजी तक हेल्थी वे सेहत के साथ लूज़ करें। मेरी दुआओं में आप हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।